मुर्दाबाद 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 सतमारों को देशद्रोही घोषित करो घोषित करो घोषित करो सतमारों को देशद्रोही घोषित करो नहीं सहेंगे सही का अपमान नहीं सहेंगे नहीं सहेंगे नहीं सहेंगे सही का अपमान नहीं सहेंगे नहीं सहेंगे नहीं सहेंगे सतमारों को मुर्दाबाद 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 सतमारों को मुर्दाबाद 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 क्या मामला है आप पतला जाने ध्यान कर रही हैं? कंगना रनावत है ये, उन्होंने हमारे देश में कहा है कि हमारी आज़ादी अभी मिली है 2014 में, बल और जो आज़ादी पहले मिली थी 1947 में वो एक जीत की तरह मिली थी उसी विरोध में, और हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की जो शहीद हुए हैं उनको बेकार मामला दिया है। पता क्या मामला है पूरा? आज कांग्रेस कमेटी द्वारा फिल्म की हीरोइन कंगना रनौत जिसको पद्म से ये सम्मानित किया गया है, उसने आज देश के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जिन्होंने देश की आज़ादी में हिस्सा लिया उनको उसने कहा कि ये आज़ाद नहीं है, देश को आज़ादी 2014 में मिली है, उसने स्वतंत्रता संग्राम का अपमान किया है। इसके विरोध में यहाँ की कांग्रेस कंगना रनौत प्रत्याख्यान कर रही है और सरकार से पद्म श्री वापस करने की मांग कर रही है कि ऐसे लोगों को फिर से मदद किया जाए और उसको तुरंत जेल में डाल दिया जाए।